गवर्नमेंट के खिलाफ। अभी पार्लियामेंट में कहा नहीं, अभी कहूंगा, अभी नहीं कहूंगा, अभी अभी भी कहूंगा। क्यों नहीं दादा, अगर उसको भी आप नो अथॉरिटी टू अनाउंस सीबीआई इंक्वायरी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष जी, आज तो यूनिवर्सिटी के बारे में तो दादा का दर्द इसीलिए मैं समझ रहा हूं। तीर कहीं लगा है तो आज कष्ट होना ही स्वाभाविक है। गरीबों की पैसा लूटोगे तो निश्चित रूप में तो कार्रवाई होगा ही होगा। दादा क्यों जोशी जी, इसको दर्द अभी दादा को भी चला, सबने मैंने सबको प्रशंसा किया। सेल्फी के बारे में निश्चित उत्तर दूंगा। और मैं आज और एक मौका, अच्छा उस दिन पहला दिन क्या बात कह रहे, उसकी कभी आप आपत्ति लाओ तो उसके ऊपर खुल के एक बार चर्चा होनी चाहिए। आज बंगाल देश की जनता को अधिकार है, विशेष करके बंगाल की जनता को अधिकार है जानने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट क्या हो रहा है। दूध का दूध पानी का पानी एक बार होना ही चाहिए दादा, कि क्या हो रहा है बंगाल में। चिल्लाने से, जोर जोर से चिल्लाने से, एक थिएटरिक करने से, एक नोट ड्रामा करने से सत्य छुप नहीं जाता है। इस विषय को हम भी कभी कभी सामने रखना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, देश आजादी की लड़ाई 19वीं सदी में भी लड़ा, 20वीं सदी में भी देश आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, आधे सेंचुरी चली गई उसमें से। जब देश की आजादी की लड़ाई 19वीं सदी की मध्य से कई कई इलाका में उसकी आंदोलन शुरू हुए, कुछ उस समय की राष्ट्रीय नेतृत्व की एक तबका ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब उस आजादी की अग्रणी नेता रहे। उसी समय में हमारी समाज जीवन में ऐसे कुछ मूर्धन व्यक्तित्व रहे, स्वामी विवेकानंद हो, योगीराज श्री अरविंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, मदन मोहन मालवीय हो, बाल गंगाधर तिलक हो, गोखले जी हो, राधाकृष्णन जी हो, या पंडित गोपोबंधु दास हो। ऐसे एक तबका रहा जिन्होंने, जिनको ध्यान में आ रहा था कि कुछ सालों के बाद देश आजाद हो जाएगा। जब आजाद हो जाएगा तब देश की रचना कैसे होगी? अगर हम शिक्षा पे जोर नहीं देंगे, शिक्षा को हम भारतीयता के साथ नहीं जोड़ेंगे, क्यों? 1835 में अंग्रेज नीतिकार मैकॉले ने एक मीटिंग बुलाई, किस देश को ऐसे ही पराजित नहीं किया जा सकता है। 1835, अध्यक्ष जी, 1835 में अंग्रेजों ने तय किया, अगर इस देश को लंबे समय तक अर्थनैतिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से गुलाम बनाना है तो इस देश की जो मूल आत्मा है शिक्षा, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं। इसलिए एक पराधीनता की मानसिकता के आधार पर कॉलोनियल रूल को लंबे समय तक जारी रखने के लिए एक शिक्षा प्रणाली बनाई गई। ये सारे को, जिन जिन महानुभवों का मैंने नाम लिया, सभी ने अपने तरीके से इस देश की अंतरात्मा को खड़ा करने के लिए, मैं आज केरला की मुस्लिम लीग के माननीय सदस्य शायद अब्दुल्ला जी है, उनकी भाषण को मैं प्रशंसा करूंगा। उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था अंतरात्मा से कैसे जुड़नी चाहिए उसको उन्होंने आज उल्लेख किया है। लगभग सदन के सभी सदस्यों ने शिक्षा की उस मौलिक आवश्यकता को, भारतीयता के साथ जुड़ना और उसमें आत्मनिर्भरता बनाना, इस सारे विषय में उसको रिकॉग्नाइज किया। मैं फिर इसके लिए देश की सभी, इस सदन की सभी सदस्यों को आभार प्रकट करता हूं। सभी की मर्म में एक था, हमें देश की गुलामी की मानसिकता से बाहर आनी है। ये एक लंबी प्रवास है अध्यक्ष जी, लंबी प्रवास है। आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक सारे जो महानुभवों ने, सारे माननीय सदस्यों ने जो कुछ विषय उल्लेख किया है, उसमें से अगर मैं सारांश से देखता हूँ, 3-4 विषय प्रमुखता से लोगों ने, माननीय सदस्यों ने अपना चिंता प्रकट की है, कंसर्न दिखाई है, मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ। वो सारे विषय को मैं थोड़ा आपकी अनुमति से 1-2 विषय को मैं रखना चाहूँगा। सभी ने ड्रॉप आउट के बारे में कहा है, सभी ने SC ST OBC प्राध्यापकों की अपॉइंटमेंट के बारे में कहा है, कई सदस्यों ने डिस्क्रिमिनेशन को भी आज की चर्चा के हिस्सा बनाई। मैं विनम्रता से 2-3 विषयों पे आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। डिस्क्रिमिनेशन से दादा, आपसे हम सीखते हैं दादा, सौगत दा, मैं बचपन से आपको जानता हूं, तथागत जी के आप भाई हो, हम आपको आइडियल मानते हैं। अब दादा, मेरे उम्र आप में पिता पुत्र की दूरी है,
या छोटे भाई बड़े भाई की दूरी है। मैं बिल्कुल आपके सारे विषय का उत्तर दूंगा। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।